मिन रोलिंग, अ प्लेस फॉर परफेक्ट इमेंसिपेशन, एक ऐसी जगह या स्थान जहां आप अपने मन को परिशुद्ध कर सकें संसार के मोह, माया, काम, क्रोध और लोभ से। समोल अटाशी देले, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम सॉन्ग दोर्जे और आई एम अ मिनरोलिंग मॉन्क। एंड अभी मैं हूँ नॉर्थ सिक्किम तुमलोंग में, और मेरे पीछे संगदो पलरी, हमारा नया मंदिर। और आज मैं आपको हमारे नए मंदिर से रूबरू करवाऊंगा। पूरी तरह से बना नहीं है, याद के लिए कैसा था कैसा है। सो इंदा इंदा गोत्सुगी इंदा। महान धर्म राजा चगेल तेरदाग लिंगपा। मिनरोलिंग की शुरुआत इनके द्वारा सन 1676 टिबेट में हुई। हमारे गुरुओं की शिक्षा जो हमें मिल रही है वो सबको मिले, इसी विचार के साथ हमारे गुरु खोचे रिम्पोचे और कुछ लामाओं के छोटे समूह ने सन 1965 भारत में मिनरोलिंग की स्थापना दोबारा की। साल 2023 महान धर्म राजा चगेल तेरदाग लिंगपा के द्वारा शुरू की गई मिनरोलिंग, उनकी शिक्षा, उनके विचारों को और लोगों तक पहुंचाने के लिए सिक्किम में भी संगदो पारी की स्थापना हो रही है। मेरी लामा की यात्रा साल 2015 देहरादून से शुरू हुई। 2019 मैं और मेरे दोस्त पालजोर मोडुक तेरमे शेराप और तेंदम, हम पांचों को सिक्किम भेजा गया। वजह, एक नए मिनरोलिंग की स्थापना के लिए मदद। मंदिर के कामों में हाथ बटाना शुरू करते समय काफ़ी कंफ्यूज थे। नया मंदिर, नई जगह, नए लोग, नई जिम्मेवारी, क्या हम निभा पाएंगे? थॉमस, हट। अभी हमें इधर 5 साल होने को है और इन बीते हुए सालों में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अभी के समय में हर कोई अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहा है, चाहे वो एक 12 साल का मेरा छोटा भाई हो, या 17 से 23 साल तक के मेरे दोस्त, या 27 से 32 साल तक के मेरे भैया, या 35 से 50 साल तक के मेरे टीचर। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमारे मॉन्क्स के रहने की जगह। दिस इज गोइंग टू बी आवर न्यू हॉस्टल एंड काम काफी तेजी से चल रहा है। संगदो पारी में प्रवेश करने के लिए आपको 4 दरवाजे मिलेंगे। संगदो पारी में प्रवेश करने के लिए पहला द्वार नाम थे से, दूसरा द्वार युलखोरसुंग, तीसरा द्वार फाकेपो, चौथा द्वार चेनमीजंग। प्रवेश करने के लिए द्वार तो बंद है, इधर उधर से जा सकते हैं। प्रवेश करने के लिए चौथा द्वार, इसे कह सकते हैं। और अभी हम हैं पश्चिम दरवाजे के आगे। सुंदर है, अंदर चलते हैं।
सांधोपारी बनने के कगार में है, तो हम आज एक सांधोपारी का चक्कर लाएंगे। देखते हैं कि क्या कुछ नहीं बदला है इन 2 महीनों में। There's the lakhang. ये काम रुक गया है। ये तो पहले जोरों जोरों जोर शोर से चालू था। ओके जी, सो ये सांधोपारी का पहला मंजिल है। इस मंजिल में आपको 7 मूर्तियां और 16 पिलर्स मिलेंगे, जिनमें काम अभी बाकी है। इस भवन की सुंदरता आप लोगों को अच्छे से दिखाने के लिए मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। जैसे कि मैंने कहा था, पूरी तरह से बना नहीं है, बस याद के लिए कैसा था कैसा है। चलो, इस मंजिल की यादों को समेट के हम चलते हैं दूसरी मंजिल पे। चलिए ऊपर के सैर कराते हैं आप लोगों को। तो आप सेकंड फ्लोर में चलते हैं। तो लेट्स गो। दूसरी मंजिल। तो ये है सेकंड फ्लोर। मूर्ति का काम तो अभी चालू नहीं होगा लगता है, अब जब तक आते नहीं है काम करने वाले। दूसरी मंजिल में बाहर का काम लगभग खत्म हो चुका है, और जो दीवारों में रूपरेखा बनाया गया है वो कमाल की, और मुझे उन्हें बनते हुए देखने का मौका नहीं मिला। पर इनमें जो रंग लगा है उनके बारे में मैं ये कह सकता हूँ, बालजोर, मोडू, राशी, सांगे, शान, संदूबाई एंड ऑल ऑफ यू गाइस डिड अ ग्रेट जॉब। चलो इस मंजिल के भी यादों को समेट के चलते हैं तीसरी मंजिल पे। तो अब थर्ड फ्लोर की बारी, अब चलते हैं थर्ड फ्लोर में। वैसे आधा से ज़्यादा बन चुका है वैसे, नहीं तो पहले यहाँ तो सीढ़ियाँ भी नहीं थी। ओ भाई, डेंजर का व्यू। तो अभी थर्ड फ्लोर में हैं हम। अबे यारो, यहाँ था थर्ड फ्लोर के अंदर दिखाते हैं आपको। अब तो अभी काम ज़्यादा स्टार्ट भी नहीं हुआ है, और वो ऊपर है फोर्थ फ्लोर। फोर्थ फ्लोर जाना भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हाँ उस सीढ़ी से चढ़ना पड़ता है, तो रिस्क लेना थोड़ा मुश्किल है। तीसरी मंजिल पे आपको 1 मूर्ति और 4 पिलर्स मिलेंगे, और 24 अप्रैल 2022। अभी ये ऐसा है, आगे जाके कैसा होगा आपको अभी ही पता चलेगा, तो बदल जा भाई। वक्त काफी जल्दी बीत रहा है, मैं एक लामा, यहाँ आके जाना। कितना सीखना है अभी,
कितना समझना है अभी, कितना करना है अभी, जो बीत गया उसमें नहीं, जो आने वाला है उसमें भी नहीं, जो अभी है उसमें जियो, अच्छे कर्म करते रहो, फल वह देख लेंगे। अब बस कुछ समय में हमारा मंदिर बन के तैयार हो जाएगा। कुंपा जेगोर, ओपनिंग सेरेमनी की तैयारी जल्दी शुरू हो जाएगी। उस दिन आपको और बताऊंगा अपने मंदिर की कहानी। तब तक जेसु थुगो। ऊपर भी दिखाने को है बट जाने की परमिशन नहीं है। कुंभ बहुत सुंदर है हमारा।